ओ खड़ा जाओ। दुश्मनी है तेरी मेरे से? तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पीछे खटखट की आवाज़ आ रही थी, और इसीलिए अब मैं इसमें अपनी अलग से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे पड़ोसी लकड़ी काट रहे थे, पेड़ काट रहे थे, एक्चुअली सूखा पेड़ था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शैम्पू की, जो कि डॉग्स के लिए है। ये हिमालय का है प्रोडक्ट, तो जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, देख ही सकते हैं आप, 1930 से है ये। और ये टिक्स एंड फ्लोराज, मैंने जो इसके जो चिचड़ियाँ जो लग जाती है, जो कुत्तों के जो खून चूसने वाली, लोकल भाषा में हम बोलते हैं टिक्स बोलते हैं उनको, तो उससे के लिए है। तो इसमें देख दिखा रखा है, देखो 1 ml में, 1 ml में कितना कंटेंट है और उसमें क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं। ये आपको आराम से गूगल पर सर्च करने मिल जाएगा। इसमें इसके जो 200 ml का ये पैकेट है, और इसमें जो इसका 220 रुपये का जो ये है पूरा शैम्पू का पैकेट। अभी देखिए सील भी पूरी तरह से नहीं मानी खोली हमने ठीक से। एक बार यूज़ किया था इसको, ये दूसरी बार हम यूज़ कर रहे हैं, और वही कहानी, कैमरा मेरे हाथ में है और आवाज़ के लिए हाथ में रखना पड़ता है उसको। तो मैंने एक स्टैंड छोटा सा है हमारे पास, उसमें अब इस कैमरे को मैं फिट कर देता हूँ और फिर हम आगे की वीडियो शूट करेंगे। मैंने कोई सीन काटने की कोशिश नहीं की है, थोड़े बहुत जो फालतू थे वही काटूँगा। तो इसमें ये वो शैम्पू का पैकेट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और इसमें से मैं अब थैली उतार रहा हूँ। और मैंने उस कैमरे को, जब अपने मोबाइल को उसमें स्टैंड में लगा दिया था, अब मैं ये दिखा सकता हूँ आपको। तो ये जो है, इसमें मेरे को थोड़ी इसकी स्मेल इतनी कोई ख़ास नहीं लगती, थोड़ी मेरे को अजीब सी स्मेल लगती है। और मैं आपको भी यही कहूँगा, अगर आप यूज़ करते हैं तो ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक तो ये शैम्पू और एक ये साबुन, ठीक है। तो ये जो साबुन का पैकेट है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। तो ये साबुन है, एंटी टिक्स है ये, इसमें से भी चिचड़ियाँ विचड़ियाँ नहीं लगती हैं। और वो अम्मू कहीं भाग रही है, इसलिए मैं उसके पास गया हूँ, एक बार आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो यही है सब कुछ। चलिए, तो अब जब जिस काम के लिए थे ये चीज़ें हैं, उनको उस काम को करते हैं। और क्योंकि आज हम अम्मू को नहला भी रहे हैं, तो ये दोनों पानी हैं, ठंडे और गर्म, तो मैं अलग अलग ही रखता हूँ, जैसे जिस हिसाब से मेरे को सही लगता है उस हिसाब से मिला के। या आप एक बार में भी मिला सकते हैं, और वह 2 बाल्टियों में अलग अलग पानी रख ही लेता हूँ, ठंडा गर्म के हिसाब से बार बार डालते रहते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो और थोड़ा गर्म मिला लेते हैं। तो ये अम्मू को हम नहला रहे हैं, और अब जो कि है हमारे पास ये दोनों ही रखे हुए हैं, तो आज हम शैम्पू लगाएंगे। इसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है मेरे को, जैसा लगता है कि पता नहीं गुटखे की स्मेल आती है। हाँ, यही ऐसी है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। साबुन जो आपको ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा, और हम जनरली साबुन ही यूज़ करते हैं, शैम्पू कभी कभार ही यूज़ करते हैं। जैसे हमने बताया, अभी हमने एक बार यूज़ किया था, एक आज यूज़ करेंगे, और फिर हफ्ते 2 हफ्ते में शैम्पू एक बार, एक आध बार यूज़ करेंगे। जनरली साबुन ही यूज़ करते हैं, और साबुन से थोड़ी खुशबू ही अच्छी आती है। और हम इसको नहला रहा हूँ अभी तो, और मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि ये साबुन और शैम्पू कैसा है दिखने में। ये देखिए शैम्पू जो है मैं निकाल रहा हूँ, और ये थोड़ा रेड रंग में आता है, लाल लाल में ये शैम्पू आता है। देखिए ये रहा, इस कलर में शैम्पू आता है, ठीक है। और जैसे कि आपने इसके जो साबुन है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नीले कलर में आता है अंदर से, ये आसमानी सा कलर है इसका, इस टाइप में आता है। और जैसा कि आपने इसके जो अपने शैम्पू के पैकेट के ऊपर देखा होगा शुरू में, जब मैं आपको रेट दिखा रहा था, तो इसकी एक्सपायरिंग डेट है वो 2022 की है, ठीक है। तो ये इसी कलर में आता है। और जैसे कि झाग की बात करें, अपन जो फॉर्म जो बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा नहीं बनेगा, वो तो बनाने वाले के ऊपर है। जैसे कि शायद मैं भी काफ़ी ठीक ठाक रगड़ के नहलाता हूँ, बाकी शायद शैम्पू कम यूज़ मैं थोड़ा करना पसंद करता हूँ, तो मेरे को झाग थोड़ा कम ही लगता है इसका।
हम इसको शैम्पू को लगा के और फिर इसको धो देते हैं। इसके कानों में पानी नहीं जाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो कानों की तरफ से मैं थोड़ा आराम से ही पानी गिराता हूँ जब इसके कानों की साइड में हम पानी गिराते हैं तो। और थोड़ा थोड़ा शैम्पू आगे और पीछे की साइड में दोनों जगह लगाते हैं, क्योंकि जो पीछे की साइड इसके बाल हैं वो थोड़े ज़्यादा भी हैं, तो उसमें अलग से लगा लेते हैं शैम्पू। हाँ, कल को मान लो कि ऐसे साफ हुए नहीं, वो ज़्यादातर गंदगी पीछे बैठती है, तो ज़्यादातर गंदगी उधर ही लगी रहती है। तो हम इसको अच्छी तरह से नहलाएंगे, 2 बाल्टी पानी है कम से कम, इतना तो लगता ही है इसमें। तो वीडियो थोड़ी सी हाँ, इसमें एक बात और बताने वाली थी कि जो हम जब अम्मू को नहला लेते हैं, तो अभी मैं धूप में नहला रहा हूँ क्योंकि ठंडी का सब समय है और इसको ठंड ना लग जाए, इसलिए छत पे नहलाते हैं। और अब हमने नहलाना ख़त्म कर दिया है, बीच का मैंने कुछ पार्ट स्किप कर दिया था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। और अब बस इसको पोंछने के लिए मैं तौलिया ले लेता हूँ इसकी, और अब बस इसको पोंछेंगे और यहीं धूप में ये लेटेगी। अभी मेरा भाई भी ऊपर आ गया था छत पे, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि ये एक बार अपने आप को झटक ले तो उसको कुछ पानी कम हो जाए और वो हम सीन भी रिकॉर्ड कर ले। और ये है, इसने अपने बालों में झटक लिया है और अब हम इसको थोड़ा पोंछ देंगे। और अब ये इसके बाद भागती है, वैसे तो नीचे रहती थी तो बिस्तर पे भागती थी, और अब क्योंकि बिस्तर नहीं है तो इधर उधर भाग रही है। और हमने एक पहले से बिछा रखी है इसके लिए, जो है यहाँ पे एक ये दरी बिछा रखी है ताकि इस पर लौट सके, ये ज़्यादातर लौटती है ये इस करने के बाद। अब आएगी वहाँ से और इधर उधर भागेगी थोड़ा सा और फिर ये लौट जाएगी इस पर। ये मेरा भाई है, इसी के फ्रेंड के पास से हम इसको लाए थे। और इसको क्या अपने आप को सुखाना और इसकी स्मेल वगैरह का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर चढ़ रही है अभी ये। तो यही था आज के वीडियो में, हम जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि साबुन ज़्यादा अच्छा लगता है हमको और साबुन सस्ता भी है, ये आपको 70 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा। और आज की वीडियो में इतना ही सब कुछ, हमने रूल्स वगैरह की एक वीडियो बनाई थी, तो हम उसमें और बताएंगे आपको कि इनको खाने में भी क्या क्या देना चाहिए। क्योंकि अब हमने शुरू में ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमको फर्स्ट टाइम हम रख रहे हैं और हमको इतना आइडिया भी नहीं था। अब हमको ठीक ठाक आइडिया है और हम जैसे इसको खाने के लिए देते हैं और हमने सर्च किया है और लोगों से भी पूछा है, लोगों से और लोगों के पास गए हैं, तो हमने डॉग्स की थोड़ी हमको हैबिट पता चली है, तो उसी हिसाब से हम अब आगे वीडियो में आपको बता पाएंगे कि क्या क्या सही रहता है और क्या क्या नहीं रहता और क्या क्यों हमको ये देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, तो कुछ हम मिथ भी हैं जिनको भी हम थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि पहले हमको ये था कि अगर हम ऐसा कुछ चीज़ खिलाएं और फिर डॉग की तबीयत ख़राब हो तो हम आपको क्या बताएंगे, गलत तो हम बता नहीं सकते। तो हमने अपने डॉग्स को जो कुछ भी खिलाते हैं, जो कुछ भी देते हैं, वो हमको पता है, और इसको कुछ नहीं हुआ है तो हम आपको भी वो राय दे सकते हैं। तो अब इसमें जो है, ये जो मैंने फ़ोटो डाली है इसकी और इस साबुन की भी, और ये जो साबुन है ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, और शैम्पू तो हिमालय का है तो ऑब्वियसली आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे या पेट शॉप पे आराम से मिल जाएगा। थैंक यू, और थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए अब रेगुलर नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे डॉग्स के बारे में।